और अब जो है वो पाकिस्तान को की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में एक रुकावट पैदा कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने एयरलाइन का किराया कम ना किया तो हम आपका ऑपरेशन बंद करेंगे। और फिर जो खबरें इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट की हैं वो ये है कि पाकिस्तान के हमले को गन पॉइंट पर ले लिया गया कुछ लोगों की जानिब से वहां पर। नमस्कार दोस्तों, वीडियो का अगर आप मेन हिस्सा देखना चाहते हैं थोड़ा सा वीडियो स्किप करें और सीधा वीडियो के मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों इस वीडियो में आप आगे देखेंगे पाकिस्तान का एक जो फौजी है, रिटायर फौजी, किस तरीके से तालिबान को डिफेंड कर रहा है। पाकिस्तान एयरलाइंस को वहां पर गन पॉइंट पर उनको धमकियां दी और पाकिस्तान के जो एयरलाइंस वाले उन्होंने बोल दिया कि हम अफगानिस्तान काबुल एयरपोर्ट नहीं जा पाएंगे। मतलब उनकी इतनी बुरी बेइज्जती की गई है। मतलब आप आगे देखेंगे कि वो खुद बोल रहा है, जो एंकर बोल रहा है कि गन पॉइंट पर धमकी दी गई और वहां पर ऐसे हालात हैं, पाकिस्तान के लिए ऐसे हालात हैं कि वो वहां पर मतलब ऑपरेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं ये वीडियो रात को शूट कर रहा हूं, मतलब अभी ये न्यूज़ देखते देखते मुझे इतना मतलब हंसी आ रही थी जैसा वो एंकर, और स्पेशली आप देखेंगे ये जो पाकिस्तान आर्मी का बंदा है ये ऐसे डिफेंड कर रहा है, मतलब अभी भी डिफेंड कर रहा है तालिबान को। आपको भी पता है कि क्यों डिफेंड कर रहा है। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में करते हैं कुछ बात, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। तो दोबारा खुशामदीद कहते हैं, पीआईए ने काबुल के साथ अपना ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है और वजह बताई गई है कि सिक्योरिटी के हालात अच्छे नहीं है। वजह बताई गई है कि तालिबान का रवैया जो है वो जारहाना है। अब क्या सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कुछ इशूज हैं जिसकी वजह से पीआईए ने अपने तौर पर यह फैसला कर लिया, या ये हुकूमत पाकिस्तान का फैसला है और इसमें तालिबान की जो अफगानिस्तान की हुकूमत है उनके फैसले का भी अमल दखल है। इससे क्या दोनों ममालिक के ताल्लुकात तो मुतासर नहीं होंगे? वजह क्या है, असल वजह क्या है, इस पर हम बात करेंगे। जनरल नईम खान लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, जब हालात बहुत खराब थे तो उस वक्त हमने देखा था कि पाकिस्तान इंखिलाब में मदद कर रहा था, फ्लाइट ऑपरेशन जारी था। अब हालात बहुत बेहतर हो गए हैं और अब पीआईए जो है वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अपना ऑपरेशन मुअत्तल कर रहा है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात तो ठीक है ना आपके ख्याल में? जी बहुत शुक्रिया। देखें उस वक्त तो एक हंगामी सूरत हाल थी और हंगामी सूरत हाल में हंगामी इकदाम लेने पड़ते हैं, आपको रिस्क लेना पड़ता है और आपको फिर मुल्कों के आपस के ताल्लुकात का, आने वाली हुकूमत के साथ ताल्लुकात, ये सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं। लेकिन अब चूंकि ऐसा ऐसा गर्द बैठ रही है तो मेरा ख्याल है कि चीज़ों को नॉर्मलाइज होना चाहिए और अगर वो नहीं है तो उसके मुताबिक एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। और अगर कोई रवैये में फ़र्क, पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल हुकूमती लेवल पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऑल दो ये फैसला हुकूमती लेवल पर ही हुआ होगा लेकिन वो आपस में कोई इन्होंने शेयर किया होगा कि वजूहात क्या है। मेरा अपना ख्याल ये है कि चूंकि अभी वहाँ पर हुकूमत का अच्छे तरीके से अपने तमाम अहलकारों के ऊपर कंट्रोल उस तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हुआ है जैसे होना चाहिए, और अंदर चीदा चीदा लोग ऐसे हैं जो कि कोई ना कोई तरीके से मुखालफत करते हैं। दो तीन बातें हो सकती हैं। एक तो बहुत सारे अफगान शहरी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान उनको तस्लीम करे, हमारा सबसे नज़दीकी हमसाया है और इतने लंबी हमारी सरहद है, लोगों का इतना आना जाना है, ये एक वजह हो सकती है। या फिर अफगान तालिबान के रैंक्स में ऐसे लोग मौजूद हो सकते हैं जिनके जहन में कोई कड़वाहट हो पाकिस्तान के सिलसिले में, होनी तो नहीं चाहिए। इंडिविजुअल का फैसला तो अफगानिस्तान से भी इंडिविजुअल्स का फैसला तो नहीं हो सकता, ये अफगान एविएशन का अपना फैसला तो नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान को ये कहे कि आप अपने किराए कम करें अपनी एयरलाइन के वरना आपका ऑपरेशन बंद कर देंगे। ये जाहिर है हुकूमत ही का फैसला होगा ना, तो क्या हुकूमत एहसान फरामोशी कर रही है? ये इंडिविजुअल से कोई कोताही हो सकती है, इंडिविजुअल से कोई बदजुबानी हो सकती है, लेकिन ये फैसला इंडिविजुअल का नहीं होगा डेफिनेटली। और मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया ने चूंकि बहुत ज्यादा बढ़ा दिए है, बाकी सब एयरलाइन ने अपने किराए बढ़ाए हैं इसलिए कि वहां पर सिक्योरिटी का इशू है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई है, वो जी इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत बढ़ गई है उसकी वजह से है। तो लेकिन मेरा मुझे लगता है कि ये टेम्प्रेरी एक अफेयर है जिसको अगले चंद रोज में बातचीत के जरिए हल कर लिया जाएगा और कोई बहुत बड़ा इशू मुझे इसमें नजर नहीं आता। अदरवाइज जैसे भी दुनिया को यह पैगाम नहीं जाएगा कि दोनों ममालिक के दरमियान एक एतमाद की कमी पैदा हुई है जिसकी वजह से एक इतना बड़ा यानी मुश्किल वक्त में जब पाकिस्तान ने मदद की और अब जो है वो पाकिस्तान को की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में एक रुकावट पैदा कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने एयरलाइन का किराया कम ना किया तो हम आपका ऑपरेशन बंद करेंगे। और फिर जो खबरें इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट की हैं वो ये है कि पाकिस्तान के हमले को गन पॉइंट पर ले लिया गया कुछ लोगों की जानिब से वहां पर। अब वही मैं कह रहा हूँ कि इस किस्म के इंडिविजुअल एक्ट्स में हो सकते हैं और वो अभी और बातें क्लियर होंगी चंद दिनों के बाद। और मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, पहले भी कुछ इश्यूज हुए हैं
पाकिस्तान का झंडा उतारा गया बेहरुती की, उसके भी आपको पता है कि फिर उसका फौरी तौर पर एक्शन हुआ, लोगों को सजाएं भी मिली और सब कुछ हुआ। तो ये थोड़ा सा हसास मामला है, मेरा ख्याल बहुत ज्यादा इस पे गुफ्तगू करना भी दुरुस्त नहीं, बहुत ज्यादा अंदाजे लगाना दुरुस्त नहीं, क्योंकि हकायक जितने मालूम है उतने ही मालूम है। जो दो बातें उन्होंने कही है, सिक्योरिटी की बात और थोड़ी सी जो मिस हैंडलिंग है, तो मेरा ख्याल है कि अगले कुछ दिनों में ये सेटल हो जाएगी इंशाल्लाह। सही है। अच्छा जनाब, ये बताएं कि दोहा मीटिंग का आउटकम क्या रहा आपके ख्याल में? एक तरफ अमरीका कह रहा है कि हम आपको तस्लीम नहीं करेंगे, और वाज तौर पर कह रहा है कि हमने अफगानिस्तान को तस्लीम करने पर न गौर किया है न इस पर बात हुई है। दूसरी तरफ वो मीटिंग भी कर रहा है, वो फिर मीटिंग क्यों कर रहा है, मुलाकातें क्यों कर रहा है? देखिए, ये मुलाकातें तो आपको पता है करने के मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जिसको टेस्टिंग दी वाटर्स कहते हैं, धमकी अगर आपने कन्वे करनी हो ऐसी जो कि आप चाहें कि मीडिया के थ्रू ना कन्वे की जाए, डायरेक्ट कन्वे की जाए, या कोई और अच्छी बात कन्वे करनी हो जो वो चाहते हो मीडिया के थ्रू ना की जाए, डायरेक्ट की जाए, तो ऐसी बहुत सारी वजूहात हो सकती है। लेकिन मेरा अपना अंदाजा ये है कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान के अवाम को, कि अमेरिका और उनका करीबी हलीफ भारत और कुछ और मुल्क किसी भी सूरत में इस नई हुकूमत की कामयाबी नहीं चाहते, ना इसको देखना चाहते हैं, वो इसको नाकाम करना चाहते हैं। तो अगर ये चीज़ समझ में आ जाए तो बाकी चीज़ें आसान हो जाती हैं। सही है। अच्छा जन साहब, जो अमीर मुत्तकी ने कहा कि अगर आलमी ताकतें तस्लीम नहीं करेंगी तो फिर दुनिया की सलामती मुतासर होगी, ये धमकी है, इंतबाह है उनकी तरफ से, क्या है? नहीं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपनी एक कमजोरी का या एक वल्नरेबिलिटी का एहसास दिलाया है कि जो इकोनॉमिक मसाइल हैं और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं, उसके साथ फिर टेररिज्म के मसाइल हैं, ये अगर आप हमें पहले दो में हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो तीसरा शायद हम पूरा ना कर पाए, क्योंकि नेचुरली उसके लिए आपको रिसोर्सेज तो चाहिए ना, आपने लड़ाई करनी है और उनको ख़त्म करना है या उनके साथ कोई सख्ती रवा रखनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको वसाइल चाहिए। तो अगर आपको यही जान के लाले पड़े हों कि लोग खाएंगे कहाँ से और लोगों को तनख्वाहें कहाँ से देंगे, तो मेरा ख्याल है कि धमकी से ज़्यादा उन्होंने अपनी वल्नरेबिलिटी का एहसास दिलाया है और ये कहा है कि ये वल्नरेबिलिटी बाकी दुनिया के लिए भी कोई अच्छी साबित नहीं होगी। जैसे साहब, आपके ख्याल में क्या होने वाला आइंदा चंद दिनों में? क्योंकि पिछले एक महीने में या पिछले डेढ़ महीने में हम समझ रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, इकोनॉमिक इश्यूज को रिजॉल्व किया जाएगा, आलमी जो ताकतें हैं वो कुछ नरम रवैये का इजहार करेंगी, फिर हम देख रहे थे कि मुहाजिरीन के लिए कुछ किया जाएगा, फिर हमें लगता था कि वो जो फूड शॉर्टेज है, अब आने वाले दिनों में मौसम शिद्दत इख्तियार करने वाला है, वहाँ सर्दी का आगाज़ हो चुका है और आप जानते हैं नवंबर दिसंबर में वहाँ पर बर्फबारी भी होती है, तो ये जो चैलेंजेस हैं उसको मीट करने के लिए, उनसे निमटने के लिए कोई हिकमत कहीं पर अफगानिस्तान के साथ कुछ ममालिक बना रहे हैं? जी, मेरा ख्याल, देखिए बात यह है कि असल में इससे पहले जो वाकयात हुए इतनी तेजी और सूरत के साथ हुए हैं कि हम सब ने यह अंदाजा लगाया कि आगे भी चीजें उसी तेजी और सूरत के साथ होंगी। देखिए, उनके और वजूहात थी जो कुछ इससे पहले हुआ, अब जो होना है ये रियल टाइम सारे चैलेंजेस हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिर्फ पॉलिटिकल चैलेंजेस की बात करूं जिसमें सारे लोगों को साथ लेके चलना है, जो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ तबके हैं, फिर आपने गवर्नर्स मुकर्रर करने हैं, हर प्रोविंस में हुकूमत कायम करनी है, मेरा अपना ख्याल ये है कि ये प्रोसेस डेढ़ दो साल से कम का नहीं है। हम कह रहे हैं कि जी वो चंद महीने में कर लो, उसके बाद ये जो इकॉनमी का प्रोसेस है ये तो पाँच छः साल से कम का नहीं है। मुझे ये नज़र आ रहा है कि अनकरीब इन हालात के पेश नज़र जो वो ग्रो है मुल्कों का जो यहाँ पर अमन चाहता है और इनकी कामयाबी चाहता है, वो अपने इनसे बातचीत कर रहे हैं, जो मुआहदे उन्होंने अंडर हैंड करने होंगे कर लिए होंगे, और चीन, रूस, पाकिस्तान, कोई सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तुर्की, ईरान, साउथ अमेरिका के कुछ मुल्क और अफ्रीका के कुछ मुल्क, ये इनमें से एक धड़ा जो है 8-10 मुल्कों का वो पहले हल्ले में उनको तस्लीम करेगा, मेरा ख्याल ज़्यादा 4-5 हफ्ते की बात है, और उसके बाद और बहुत सारे लोग आ जाएंगे, वहां पर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। आपको लगता है कि 4-5 हफ्ते में पाकिस्तान में कहत नहीं, आपको लगता है कि 4-5 हफ्ते में कुछ ममालिक अफगानिस्तान को तस्लीम करना शुरू कर देंगे? इंशाल्लाह, ये मेरा अपना अंदाजा है। और एक और बात मैं बता दूं, जब तक पाकिस्तान में कहत साली ना हो, हमारे अफगान भाई भूखे नहीं मरेंगे कभी भी इंशाल्लाह। अच्छा, और वहां पर उनको सपोर्ट करने के लिए खुदा ना खास्ता यहाँ कुछ सफर तो नहीं करना पड़ेगा? नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल है ये तो होगा, साफ जाहिर है कि आपकी जैसे भी डॉलर का एक मसला है उसमें पार्शली अफगानिस्तान की अफगानिस्तान भी। तो दोस्तों, ये वीडियो खत्म होता है। आपको बता दूं, पाकिस्तान
पीआईए का जो मतलब डिपार्टमेंट है, जो उनके वर्कर हैं जो स्पेशली अफगानिस्तान में जाते हैं, पायलट वगैरह, उन्होंने मना कर दिया कि वो वहाँ पर नहीं ऑपरेट कर सकते, वहाँ पर उनको गन पॉइंट पर धमकी दी गई है। और पाकिस्तानी मीडिया अभी इसमें इस पर मतलब खुलकर बात नहीं कर रही है। आप समझ सकते हो, इनको एक मतलब एक जो लव है इनका, एक मतलब रोमांस है जो तालिबान के साथ, उसको ये बिगाड़ना नहीं चाहते, इसलिए इस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि कोई मतलब कोई भी इन फ्यूचर ये कुछ गलत वगैरह ना बोल जाए जिससे प्रॉब्लम हो। आप देख सकते हो पाकिस्तान आर्मी का ये बंदा, हो सकता है अभी ये कुछ पर्सनल लोगों का हो, ऐसा कुछ बोल रहा है, कुछ निजी लोग हों जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। हालाँकि पाकिस्तान को समझना चाहिए कि ये काबुल में एयरपोर्ट पर हुआ है, यानी डेफिनेटली अगर उन्होंने किया है तो उनको ऊपर से तालिबान के टॉप लीडर से डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऑर्डर्स रहे होंगे। अब तालिबान पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो होना ही था। अगर आप मेजर गौरव आर्या के वीडियोस देखते हो तो उन्होंने बोला था, मैं मेजर गौरव आर्या को फॉलो करता हूँ तो आपने सुना होगा कि उन्होंने 6 महीने बोला था कि तालिबान पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते नहीं बना पाएगा, ज़्यादा दिन तक अच्छे रिश्ते नहीं बना पाएगा। वैसे भी हिस्ट्री रही है, आपको पता है तालिबान मतलब अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा इन्वेडर्स आते रहे हैं, वहाँ पर ठंड पड़ती थी, तो वो लूट मार करने के लिए यहाँ आते थे, यहाँ से लूट के ले जाते थे, फिर वहाँ पर खाते थे। तो इनके साथ भी वही होगा, इन्होंने लगा लिया बाउंड्री, मतलब बाढ़ बना लिया है, ऐसी बाढ़ है कि आप समझ लो कि इंडिया के खेतों में वैसी बाढ़ रहती है, इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, उसको काट के आराम से वो घुस सकते हैं कहीं से भी, मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों। और ये पाकिस्तान के जो आर्मी वाले हैं ये आराम से अपने मतलब डिफेंड करते रहेंगे तालिबान को, ये शुरू से तालिबान के सपोर्टर हैं, अब तालिबान अगर इनको कुछ करेगा भी तो ये सहते रहेंगे, सह लो थोड़ा सा, यही बोलेंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, जय हिंद। रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था, कुछ लोगों को लगे तो प्लीज़ लाइक।